हेलो, मेरा नाम है सरोज और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बेसिक चॉकलेट केक बनाऊंगी और वो बहुत ही इजी तरीके से। तो सिंपल और इजी तरीके से बेसिक चॉकलेट केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम ये छलनी रखेंगे। फिर इसमें हम आधा कप ये मैदा डालेंगे, आधा कप शुगर पाउडर, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे। ये हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट छान लिए हैं। इसको हम अलग रखेंगे। फिर हम एक और बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, वेनिला एसेंस आधी छोटी चम्मच, दूध हम डालेंगे 1/3 कप और ऑयल डालेंगे हम 1/4 कप। इसको हम मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। इस मिक्सर को इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे। बैटर जो है थोड़ा सा ड्राई है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे। हमारा बैटर कुछ इस तरह होना चाहिए, देखिए। अब हम केक टिन लेंगे। केक टिन में मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको चिकना कर लेंगे और इस बैटर को हम केक टिन में डाल लेंगे। बैटर को हम सेंटर में डालेंगे। हल्का सा इसको टैप कर लेंगे। केक को हम बना रहे हैं कुकर में, तो अब हम इस केक टिन को कुकर में रखेंगे। तो कुकर में केक बनाने के लिए गैस को मैंने यहाँ ऑन कर दिया और प्रेशर कुकर रख दिया है। मैं डालेंगे ये नमक और नमक को चारों तरफ यहाँ से फैला लेंगे। फिर हम इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इस पे ये ऐसे ढक्कन लगा देंगे और इसको 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने देंगे। और गैस का फ्लेम मैंने यहाँ हाई रखा है। ये हमारा कुकर प्रीहीट हो गया है और अब हम इसको केक टिन को रखेंगे। केक टिन को सावधानी से रखें और मैंने यहाँ प्रेशर कुकर की सीटी और रिंग दोनों निकाल लिए, को बंद कर देंगे और इसको 25 से 30 मिनट तक हम बेक होने देंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ मीडियम रखा है। 30 मिनट बाद हम केक को चेक करेंगे। मैंने यहाँ ली है टूथपिक और इसको हम केक में डालेंगे। ये देखिए, टूथपिक हमारी एकदम साफ निकल रही है। इसका मतलब हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। अब हम इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको कुकर में से केक को बाहर निकालेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। बैटर पेपर को निकाल देंगे। ये देखिए, हमारा केक बहुत ही फ्लफी बना है और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। तो आइसिंग करने के लिए मैं इसको 1 घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख दूंगी और फिर हम इसकी आइसिंग करेंगे। केक को हम 2 लेयर में कट करेंगे। फिर हम केक को 1 लेयर रखेंगे और उस पर हम डालेंगे चॉकलेट गनास। मैंने चॉकलेट गनास पहले से ही बना के रखा है। आप चॉकलेट गनास मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम इसके ऊपर डालेंगे ये चॉकलेट गनास और इसको इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। मैंने इसको फ्रिज में रखा सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए और अब हम इस पे ये मेल्ट की हुई चॉकलेट डालेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।